हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फूड एंड फ्लेवर्स बाय प्रीति। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं बनाने वाली हूँ गर्मियों में खाई जाने वाली, गर्मी से राहत देने वाली रबड़ी कुल्फी। और ये रबड़ी कुल्फी होगी बिना मावे की और बिना कंडेंस मिल्क की। तो हम इसे कैसे बनाएंगे बिना मावे बिना कंडेंस मिल्क के साथ में? तो चलिए इसके लिए रेसिपी देखते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो रबड़ी कुल्फी बनाने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ 4 ब्रेड स्लाइसेस। अब इनकी एजेस को हम कट कर लेंगे। यही वो स्पेशल इंग्रेडिएंट है जिससे हम रबड़ी कुल्फी को बनाएंगे। तो आप यहाँ पर कोई भी ब्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्राउन वाइट जो भी आपको लेना हो आप ले सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर चारों ब्रेड की एजेस को कट कर लिया है। अब हम एक मिक्सर जार में इन ब्रेड के टुकड़े कर लेंगे और इन्हें ग्राइंड कर लेंगे अच्छे से। इसका हमें ब्रेड क्रम बनाना है। तो मैंने ब्रेड को अच्छे से ग्राइंड करके इसका ब्रेड क्रम बना लिया है। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर। तो चलिए अब कुल्फी की तैयारी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ली है कढ़ाई, गैस को ऑन कर लेंगे। और अब मैं ले रही हूँ यहाँ पर 4 से 5 चम्मच चीनी और इसे हम कैरमलाइज कर लेंगे। तो मीडियम फ्लेम पे हमें इसे कैरमलाइज करना होगा। थोड़ी ही देर में आप देखेंगे कि चीनी मेल्ट होने लगी है, तो हमें इसे अच्छे से मेल्ट करना है ताकि कोई भी शुगर पार्टिकल इसमें ना रहे। शुगर कैरमलाइज हो गई है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 लीटर फुल क्रीम वाला दूध और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि कैरमलाइज शुगर इसमें मिक्स हो जाए। और जैसे ही दूध में उबाल आ जाएगा हम इसे स्क्रैप करते हुए पकाएंगे 10 मिनट तक। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1/2 कप चीनी और 1/2 छोटी चम्मच इलायची पाउडर। इससे कुल्फी में बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। तो दूध को हमें चारों ओर से स्क्रैप करते हुए पकाना है जब तक कि ये 3/4 नहीं हो जाता, या जैसे ही ये हमें गाढ़ा लगने लगे तो इसमें हम ऐड करेंगे हमारा बनाया हुआ ब्रेड क्रम। इसे हमें मिक्स करना है अच्छे से और फ्लेम को कर देंगे हम मीडियम, और बिल्कुल मीडियम आंच पर इसे लगातार चलाते हुए पकाएंगे। थोड़ी ही देर में ये मिक्सचर जो है वो हमें गाढ़ा नज़र आएगा, तो हमें इसे थोड़ी देर और पकाना है। 2 से 3 मिनट इसे पकाने के बाद हम इसमें डालेंगे कटे हुए काजू बादाम और पिस्ते की कतरन और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। कुल्फी के इस मिश्रण को बनाने में सिर्फ 10 मिनट लगता है। तो देखिए आप इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं, ये इतना ही गाढ़ा हमें चाहिए। इस स्टेज पे हम गैस को बंद कर देंगे और इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। तो यहाँ पर कुल्फी का मिश्रण जो है वो ठंडा हो गया है। तो इसे हम कुल्फी मोल्ड्स में भर लेंगे। अगर आपके पास कुल्फी मोल्ड्स नहीं हैं तो आप इसे किसी भी ग्लास या कटोरी या आपके पास डिस्पोजल ग्लास हो तो आप उसमें इसे सेट कर सकते हैं। तो देखिए मैंने मोल्ड्स को अच्छे से भर लिया है। अब इसे हम कवर कर देंगे ढक्कन से। बचे हुए मिश्रण को मैंने एक बोल में निकाल लिया है। अब इसे सिल्वर फॉइल से कवर करके हम इन्हें 10 से 12 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए। आप इसे 10 से 12 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखिए या ओवरनाइट भी रख सकते हैं। तो अब इसे हम अच्छे से बंद कर देते हैं। 10 से 12 घंटे के बाद मेरी जो कुल्फी है वो अच्छे से जम गई है। तो मैंने यहाँ पर एक बर्तन में पानी लिया है ताकि हम इसे अच्छे से डीमोल्ड कर पाएँ। तो इसे पानी में डिप करेंगे मोल्ड्स को ताकि कुल्फी ईजीली निकल जाए। तो देखते हैं कुल्फी बनी। ओ वाओ, ये बहुत ही अच्छे से जमी है और देखने में भी बहुत ही लाजवाब लग रही है। वाओ, तो इसी तरह से सारी कुल्फी को मैंने डीमोल्ड कर लिया है। मैं इसे गार्निश करूँगी पिस्ते के कतरन के साथ में। तो मैंने बोल में जो आइसक्रीम सेट करने रखी थी वो भी हम चेक कर लेते हैं। ये भी जम गई है अच्छे से। वाओ, ये बहुत ही बढ़िया बनी है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। दिखने में ही इतनी बढ़िया लग रही है और टेस्ट तो एकदम लाजवाब है ही। आप इसे अपने मेहमानों को या परिवार के सदस्यों को जब खिलाएंगे ना तो वो पहचान ही नहीं पाएंगे कि इसमें हमने ब्रेड का इस्तेमाल किया है। तो आप भी इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। रेसिपी अगर पसंद आती है तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली बार एक नई रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।